नमस्कार, न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंडली मैच में प्रशासन 11 ने पत्रकार 11 को 42 रनों से हराया। सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के चंद्रवदन उच्च विद्यालय धनौती के खेल मैदान में स्वतंत्र भारत के 71वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर रविवार को पत्रकार और स्थानीय प्रशासन के बीच मैत्री मैच का आयोजन किया गया। टॉस प्रशासन एकादश के कैप्टन BDO डॉक्टर दीपक कुमार सिंह ने जीता और पहले बल्लेबाजी कर चौको छक्को की झड़ी लगाते हुए निर्धारित 12 ओवर के मैच में 3 विकेट पर 178 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। 179 रन के विजयी लक्ष्य का पीछा करने उतरी पत्रकार एकादश निर्धारित ओवरों में मात्र 136 रन ही बना पाई और मैच हार गई। और उनके साथ उनकी टीम के सदस्य, शानदार मैच, दर्शकों की उपस्थिति अपनी दर्ज की, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि हम लोग पत्रकार महोदय से जीत हासिल किए हम लोग। और मैं खुद सोच रहा हूँ कि किधर बोलूँ, प्रशासन की तरफ बोलूँ कि पत्रकार की तरफ बोलूँ, क्योंकि खुद मैं जनप्रतिनिधि हूँ। इसलिए आपसी विश्वास बनाने के लिए हम लोगों ने ये खेल खेला है और हम लोगों ने बहुत खुशी की बात है। बार बार हो, बार बार हम लोग खेलें और बार बार हम लोग साथ में खेलें, शांति कायम रहे हमारे देश में। यही हम पहले टॉस जीत करके एक टारगेट सेट करना चाहते थे कि यहाँ पर ये जो कंडीशन देख करके ये होता, हम लोग हमारे जो प्लेयर थे पहले सारे लोग निर्णय थे, हम लोग एक टारगेट सेट करना चाहते थे ताकि उस टारगेट के अनुसार अपने स्टैंडिंग को सेट कर सकें और मैच में आगे की रणनीति बना सकें। लेकिन ये प्रशासन बढ़ते जो पब्लिक का ये मैच था, पत्रकार महोदय और पब्लिक का, क्योंकि होता क्या है कि प्रशासन और पब्लिक के बीच में गैप रहता है तो तमाम तरह की भ्रांतियां पैदा होती है। और पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए प्रशासन जो आज के नए युग में एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पीपल फ्रेंडली बनाना जरूरी है ताकि सभी लोग बेहतर माहौल में काम कर सकें, उसी पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग ये मैच किए ताकि कि प्रशासन और पब्लिक के बीच में जो गैप है वो ख़त्म हो और प्रशासन सही मायने में उनके लिए मददगार हो, उनका भी फीडबैक आए ताकि हम लोग सही तरीके से काम कर सकें। पुलिस प्रशासन और पब्लिक के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए किया गया था और इसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल रहे हैं और ये मैसेज चारों तरफ जाएगा और लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारी मदद करेंगे और हमसे मदद करेंगे।